हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंटरडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अब जुलाई की एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है और 1 जुलाई है कल। तो गाइस, उसमें हमें कौन से स्टॉक्स को बाय या सेल करके चलना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी मार्केट की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बजट आने वाला है इसी हफ्ते के अंदर अंदर, और बजट में हमें किस तरीके से मार्केट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गाइस, US और चाइना की मीटिंग हुई है G20 समिट में, कल हुई है ओसाका में। सो गाइस, उस पर जो निकला है रिजल्ट एक तरीके से, कि वो अभी भी ट्रेड टॉक्स जो है वो रिज्यूम चल रही है। वो बोल रहे हैं कि वो कोई भी हरी में नहीं है रश करने के में, पर जब तक ये नेगोशिएशन चलेगा, जब तक ये नेगोशिएशन कंटिन्यू रहेगा, तब तक US कोई भी न्यू टैरिफ चाइनाज के गुड में नहीं इम्पोर्ट लगाएगी। और जो भी एक हुआई जो एक टेलीकॉम कंपनी है वहाँ की, और उस पर भी जो बातचीत चल रही थी वो भी अभी तक सुधार में आ गई है। सो गाइस, ये एक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है। शायद थोड़े अगली वाली मीटिंग में इनके बारे में और अच्छे से निकला है, और ये ट्रेड टॉक जो भी चल रही थी टैरिफ वॉर, वो थोड़ी और हल्के होते हुए देखने को मिल जाए, तो शायद मार्केट कल खुले तो एक पॉजिटिव नोट में खुल सकती है और मार्केट थोड़ा मूव दिखा सकती है। अब गाइस, कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर हमें अपनी बेट लगानी चाहिए और किस तरीके से हमें चार्ट्स के बेसिस में एनालाइज करके इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए? तो गाइस, वो हैं हिंद पेट्रो, टाटा स्टील, वोल्टास, गेल, सीमेंस। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस शीट की। तो परफॉर्मेंस शीट की हम बात करते हैं हमेशा अपनी प्रीवियस वीडियोस पर, जो भी आपको स्टॉक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उसके बाद वीडियो जो बनती है उस पर आपको परफॉर्मेंस शीट दी जाती है। तो गाइस, हमने आपको पिछली वीडियो में JSW स्टील, वोल्टास, बिल्टकॉन, उज्जीवन और DLF दिया था, जिसमें से JSW स्टील और वोल्टास सेल थे, और इन दोनों के टारगेट्स हमें अच्छे खासे अचीव होते हुए दिख गए थे। गाइस, DBL की बात करें तो DBL पे मैंने आपको 400 के लेवल से बताया था कि 510 जाएगा, और गाइस वही हुआ। 470 पे भी मैंने आपको बाय बोला था तो 510 इंटरडे पे चला गया था। उज्जीवन बाय करने की आपको सलाह दी थी, उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो गाइस ये हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया। हिंद पेट्रो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया था, पहला टारगेट जैसा कि आपको बताया गया था, और लगता है कि ये और ऊपर जा सकता है। अब बढ़ते हैं 5 स्टॉक्स की तरफ, जिसमें पहला है हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको, 290 रुपीज़ इसका करंट मार्केट प्राइस है, 286 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिएगा। 284, 294, 301 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपको जो मैं टारगेट्स बता रहा हूँ, पहले और दूसरे टारगेट, पहला टारगेट हम इंट्राडे बेसिस पे ही लेकर चलेंगे, दूसरा टारगेट होगा एक या दो दिन या पोजिशनल के पर्पज। पोजिशनल हम बात कर रहे हैं, एक या दो दिन की बात। टाटा स्टील शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी आपको इस पर, 505 का हम देख रहे हैं कि इस पर करंट मार्केट प्राइस है, उसको शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। चार्ट स्ट्रक्चर तो इसका वीक है, पर गाइस ये जो मीटिंग हुई है उसकी वजह से शायद स्टील सेक्टर या उसमें कुछ थोड़ी बहुत उछाल आ सकती है, तो केयरफुली इसमें ट्रेड करेगा। जब मार्केट ओपन हुए हमारा अगर आसपास होता है तभी हम ट्रेड करेंगे। 501, 494 का टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको 515 का ही मेंटेन करना होगा इसमें। वोल्टास सेल करने की सलाह दी जाएगी, वोल्टास आपको पहले भी सेल करने की सलाह दी जाएगी गई थी प्रीवियस वीडियो पे, अभी भी इस पे सेल दी जा रही है आपको। 638.7, 627 तक के भी टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 655 का आपको स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गेल बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें, 316, 321 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेल के अंदर, स्टॉप लॉस 307 का आपको मेंटेन करना पड़ेगा। गेल एक रेंज के अंदर है, और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं, और गेल के अंदर जो ये रेंज बन गई है, ये रेंज बहुत ज़्यादा तरीके से वो एक्सटेंड हो गई है, कि अब शायद इसमें एक अपर रेंज में ब्रेकआउट आ जाए, और अगर ये ब्रेकआउट आता है तो ये 350 लेवल तक भी जा सकता है। सो 316 और 321 तक के टारगेट्स हम पहली बार रेंज गेल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीमेंस बाय करने की सलाह, 311 इसका करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस आपको 1298 का मेंटेन करना होगा गाइस। टारगेट हम एक्सपेक्ट जो कर सकते हैं 1322, 1335 तक के भी टारगेट्स हम सीमेंट्स के अंदर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये जिस तरीके से मैंने आपको अपनी पिछली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे बताया था कि इस पर्टिकुलर रेंज के अगर ऊपर निकलती है मार्केट, या 11,900 के ऊपर निकलती है, तो आपको बाय तभी करना है जब उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी, वरना आपको अगर उसके नीचे चली जाती है तो आपको शॉर्ट पोजिशन को इनिशिएट कर देना। गाइस वही हुआ था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वो एक बहुत बड़ा हर्डल है जहाँ से मार्केट दोबारा नीचे गिर सकती है, और वो दोबारा अपनी उस रेंज में आ गई है, और वो शायद रेंज उसे और नीचे तक लेकर जा सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करेंगे सब, तो केयरफुली ट्रेड करिएगा। दोनों के एनालिसिस समझनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस मैंने आपको समझा रखी है।
इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बजट से कुछ टाइम पहले के लिए आपको स्टॉक्स दूँ जो आप होल्ड करके चले बजट तक के लिए और आपको अच्छे खासे रिटर्न मिले, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वो स्टॉक्स चाहिए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा इफ़ नेसेसरी, अगर आप लोग ज़्यादातर लोग कमेंट्स करके मुझे बताते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।